Hey friends, welcome. I'm going live for a very first time. And आज live जाने का एक मुख्य उद्देश्य यही था कि we are right now in a very tough time of facing the challenges towards corona virus. And हम एक ऐसी field को belong करते हैं कि जहाँ पे हमें हमारे self को protect तो करना ही है, साथ साथ हमारे profession को भी बचाना है, हमारी पढ़ाई को भी बचाना है. एंड जितना हम कंट्रीब्यूट कर पाए हमारे नेशन को इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वो भी करना है. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ लाइव थोड़ी बातचीत करूं. द मेन एजेंडा फॉर दिस इज लाइक हमारे सबके दिमाग में एक डर है, उस फियर से फ्रीडम पाना, दैट इज द बिगेस्ट पावर फॉर द रेस्ट 15-20 डेज टू कम. सो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो खास करके सीए स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आई वॉज गेटिंग सो मेनी क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन, विद रिस्पेक्ट टू सर हमारी ट्रेनिंग पेंडिंग है क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू हम एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते. तो उस सबको एड्रेस करता हुआ ये वीडियो है. फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ तीन चीजों के ऊपर बातचीत करने वाला हूं. वन इज सम इंपॉर्टेंट आईसीआई अनाउंसमेंट जो अभी अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई किए थे, जिसके ऊपर काफी सारे सीए स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थे. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन दूं. दूसरा, आप इस टाइम को कैसे बेस्ट यूज कर सकते हो. तीसरा, ड्यूरिंग दिस लेट्स बी केयरफुल एंड लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल. सो इन तीन चीजों के ऊपर हम आज यहां पर बातचीत करने वाले हैं. फ्रेंड्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो अभी आया, दैट इज नॉर्मली एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद हम उसके अंदर अगर सेंटर चेंज करना हो, मीडियम चेंज करना हो, ग्रुप चेंज करना हो, तो एक बार कर सकते हैं. और वो एक बार करने की समय सीमा ऑलरेडी समाप्त हो चुकी थी. बट फ्रेंड्स, अभी हालांकि कोरोना वायरस के सिम्टम्स को देखते हुए, उसका जो फैलाव है वो देखते हुए, आईसीआई ने ऑलरेडी एक टाइम तक अपनी सारी एक्टिविटीज को बंद कर दिया है. इसे देखते हुए इंडिया में भी काफी सारी चीजें बंद होने लगी, रीडिंग रूम बंद होने लगे, लाइब्रेरी बंद होने लगी, पीजीज बंद होने लगे. उसके कारण स्टूडेंट्स वेर कंपेल्ड कि वो लोग अपने घर वापस चले जाए. एंड इसके कारण इंस्टीट्यूट ने वापस से आपको 3 दिन का समय दिया है. आज, दैट इज यू कैन से 21st मार्च, कल 22nd मार्च एंड परसों 23rd मार्च. ये तीनों 3 दिन आप क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट पे जाके आपके एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कर सकते हो. उसका नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो, that is you can go on the website and you can change the group, your examination center and also the medium. The very important is you can change your group and also you can change your medium. That is very important. And aap center ko bhi kya kar sakte ho, change kar sakte ho. Iske liye aapko kya karna hoga friends, that is on the website, that is icaiexam.ici.org पे जाना होगा. एंड आज, कल और परसों आप ये चीजों को क्या कर पाओगे, चेंज कर पाओगे. सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट प्रोएक्टिव स्टेप टेकन बाय आवर मदर इंस्टीट्यूट, दैट इज ICAI. द सेकेंड अनाउंसमेंट वॉज, मुझे काफी सारे कॉल्स एंड व्हाट्सएप आ रहे थे कि कुछ लोगों की ट्रेनिंग्स, ICAI की जो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है, दैट इज OC, ITT, MCS, Advanced ITT, ये ट्रेनिंग्स काफी लोगों की चल रही थी और अचानक से बीच में ICAI की एक्टिविटीज को स्टॉप कर दिया गया. एंड कुछ लोग अभी का जो समय है उसमें अपनी ट्रेनिंग्स को एनरोल किया था प्लान तरीके से, जिससे उनके फर्दर रजिस्ट्रेशन ऑब्लिगेशंस में कोई दिक्कत ना है. पर अचानक से ये जो चेंज आया उसके कारण क्या हुआ, देन यू कैन से दैट हमारी जो ट्रेनिंग्स थी उसमें बच्चे के साथ क्या होने लगा, उन्होंने बीच में ट्रेनिंग के लिए एनरोल किया था, राइट, बट देवर अनेबल टू कंटिन्यू द ट्रेनिंग. या फिर बीच में क्या हुआ कि ट्रेनिंग जिनकी अभी स्केड्यूल थी उनके कारण उनका, आप जो कह सकते थे, अटेम्प्ट ड्यू था या ऐसा जो भी इश्यू था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था. ये सारी चीजों को स्टॉप करते हुए इंस्टीट्यूट, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि आप जितना टेंशन लेते हो उससे ज्यादा टेंशन मुझे भी होता है, और हमारे दोनों में जितना टेंशन होता है उससे ज्यादा टेंशन हमारी मदर इंस्टीट्यूट को होता है. एंड considering the decision taken by our respected council and our president sir, as you can see on the screen, the correction window is open. And also I can say to you that for those students whose immediate obligation was there with respect to training, that is of OC, ITT, also you can say that with respect to
एमसीएस एंड एडवांस आईटीटी ये एक टाइम के लिए अभी एग्जेम्प्ट कर दिया गया. जैसे यू कैन सी द एग्जेम्पशन फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स एंड एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कोर्स टू अपियर इन फाइनल 2020 एग्जामिनेशन. सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहता हूं कि इंस्टीट्यूट वैसे भी काफी प्रोएक्टिव है और वो हमेशा हमारे इंस्टीट्यूट है तो हमारे ही बारे में सोचती है. तीसरा फ्रेंड्स, मैं फास्ट अगर आपको एक नोटिफिकेशन और बताना चाहता हूं कि कल यानी कि संडे 22 मार्च 2020 को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट शेड्यूल था. मैं वापस से आपको बता देना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के जो इश्यूज चल रहे उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोएक्टिव मेजर की तरह हमारे वेलबींग के लिए इससे भी टाइम बिंग के लिए क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है. इसकी आगे इंडिया में और दुबई में जो भी जगह सेंटर्स पे था इसे पोस्टपोन कर दिया. इसके लिए आगे क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे और इंस्टीट्यूट विल कम आउट विद दैट. ऑल्सो फ्रेंड्स, वेरियस स्टूडेंट्स आर हैविंग एन इश्यू विद रिस्पेक्ट टू नॉट गेटिंग द मॉड्यूल्स. यानी जो नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स है जिन्होंने मॉड्यूल्स के लिए ऑर्डर किया है तो उसमें काफी सारे बच्चों को ऐसा रहा है इट्स कमिंग सून. फ्रेंड्स, दोज मॉड्यूल्स आर इन प्रिंटिंग. इसलिए आप बाकी सारे मॉड्यूल्स आप ऑर्डर कर दो, वो बाकी के मॉड्यूल्स आपको बाद में भेज दिए जाएंगे. सो नो नीड टू वरी एट ऑल. पर एक प्रिकॉशन के तौर के फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम मॉड्यूल्स ऑर्डर कर दें उसके बाद सीडीएस पोर्टल पे एक मेल डाल दें हमारे प्रिकॉशन के तौर पे कि मैंने इतने मॉड्यूल्स ऑर्डर किए, इतने मॉड्यूल्स मेरे पेंडिंग है, बाद में मुझे प्रोवाइड कर दीजिए. सो लेटर ऑन अगर कोई इश्यू आता है तो वी कैन ऑलवेज यूज दैट मेल विच यू हैव सेंड एज अ ट्रेल टू इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट विल बी हेल्पिंग यू टू सर्व यू. And as आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो फ्रेंड्स, 25th मार्च से लेके 31st मार्च स्टॉक ऑडिट के चलते हुए CDS पोर्टल विल नॉट बी अवेलेबल. मोरओवर फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे इंस्टीट्यूट का काफी समय से चलता आ रहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्कॉलरशिप्स. सो आई रिक्वेस्ट ऑल दोज नीडी स्टूडेंट्स, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट दैट मच रिसोर्सफुल, वो अगर ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो 31st मार्च 2020 के पहले आप स्क्रीन के ऊपर लिंक देख पा रहे हो, थोड़ी देर में ऑफलाइन जाने के बाद मैं वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसके ऊपर जाके आप पूरे रूल्स पढ़ के आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. देर मत करना फ्रेंड्स, टुडे इज 21st, राइट, वी कैन अपलोड आर एप्लीकेशन टिल 31st मार्च. अगर आप अपलोड कर देते हो, सिलेक्ट हो जाते हो तो फ्रॉम 1st अप्रैल 2020 यू विल स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कॉलरशिप स्कीम ऑल्सो. प्लस फ्रेंड्स, आप जानते हो जीएसटी हो, इनडीएस हो, कंपनीज एक्ट हो, टैक्सेशन हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो, रेरा हो, ये सारी चीजें काफी परिवर्तित हो रही है. अगर हम इन परिवर्तनों के साथ इन ट्यून नहीं रहते तो फ्रेंड्स व्हाट विल हैपन इज वी विल बिकम ऑफ डेटेड और वी विल बिकम आउटडेटेड. हमारी मदर इंस्टीट्यूट आईसीए कभी ये नहीं चाहती, इसलिए वो रिफ्रेशर कोर्स कंटिन्यूअसली चालू रखती है जिसे आप भी एज अ स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम www.eservices.ici.org. फ्रेंड्स, ये सारे इनिशिएटिव मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किए कि आप स्टूडेंट फ्रेंड्स समझ पाओ कि यार मदर इंस्टीट्यूट आईसीआई केयर्स फॉर अस. मैंने जैसे भी पहले आपको कहा कि जितना टेंशन आपको है उतना ही टेंशन मुझे भी है और हमारे दोनों के टेंशन को ऐड करें उससे भी ज्यादा टेंशन हमारे रिस्पेक्टेड काउंसिल को है. वो हमेशा उनसे जितने हो पाए उतने प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हैं इस सब की झांकी मैंने आपको बताई. तो ये सारी चीजों का बेनिफिट फ्रेंड्स आप जरूर लेना, जो मेरा ये लाइव पे आने के पीछे का उद्देश्य था. अब फ्रेंड्स, बहुत सारे के दिमाग में ये क्वेश्चन है, काफी सारे व्हाट्सएप कॉल्स एसएमएसेस सब मुझे आ रहा है, तो मैं आपको इस क्षण तो यही कहूंगा कि पूरे इंडिया में किसी को नहीं पता कि मई 2020 एग्जाम्स का क्या होगा. बट फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए दो मिनट के लिए कि मैं आपको अभी बता देता हूं कि भाई आईसीए की एग्जाम मान लीजिए कि पोस्टपोन्ड है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, इससे आपके प्रिपेरेशन को बेनिफिट होगा कि लॉस होगा. तो फ्रेंड्स, मैं यही कह दूंगा बेशक लॉस होगा, बिकॉज व्हेन योर डेडलाइन गेट शिफ्टेड योर एफर्ट्स रिड्यूस. आप बोलो नहीं 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 सर, हम वैसे वाले बंदे नहीं है, हम तो हमारे फोकस्ड ही प्रिपेरेशन करते हैं. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी सोच वाले हो कि आप फोकस प्रिपेरेशन करते हो तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम पोस्टपोन हो या प्रिपोन हो उससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए. So, जब हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि सर एग्जाम्स का क्या होगा, दैट मीन्स दैट वी आर फोकसिंग ऑन डेडलाइन एंड वी आर प्रिपेयरिंग, एंड इन दैट सिचुएशन फ्रेंड्स नीडलेस टू वरी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी तो हमें कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं, पर मैं आपको ये जरूर कह दूंगा फ्रेंड्स कि कोई भी क्षण अगर कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन है, उसे स्टूडेंट्स को कोई असर होगा होता होगा, एग्जाम की
प्रोसेस को कोई असर हो रहा होगा, एग्जाम के कंडक्ट करने में कोई तकलीफ आ रही होगी, और जिसमें बाकी और कोई नहीं, अगर आप एज अ स्टूडेंट अगर नेगेटिव सिचुएशन में होगे, तो आई अश्योर यू, आई गारंटी यू, आईसीआई विल कम अप विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टू बी डन. बट फ्रेंड्स, एट दिस जंक्चर इफ यू आस्क एनीवन, और इफ एनीवन सेज टू यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर मे 2020 एग्जामिनेशन, देन नो वन हैज आंसर. एंड आई थिंक सो एज अ स्टूडेंट यू शुड नॉट वरी, यू शुड कंटिन्यू फोकसिंग ऑन योर प्रिपेरेशन. सो मेरी नम्र अपील है आप लोगों को, दो हाथ जोड़ के, कि आप फिलहाल आपकी मे 2020 के प्रिपेरेशन के ऊपर फोकस करो. Nothing else to worry, and believe me friends, everything is going to happen good, that is in your benefit, because you are in the hands of our own mother institute, that is the Institute of Chartered Accountants of India. Plus friends, jo log abhi live dekh rahe hai aur jinki exam May 2020 ke baad hai, aur they want to take some knowledgeable benefit of our mother institute, then kindly go and access www.learning.ici.org. It's an ICI digital learning hub, jahan se काफी सारे स्पीकर्स के नॉलेज का बेनिफिट उठा पाओगे, वहां काफी सारे रिसोर्सेज है जिसका बेनिफिट उठा पाओगे, एंड यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ दिस 20 डेज टाइम पीरियड यू आर हैविंग. सो फ्रेंड्स, ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दिस, एंड दो स्टूडेंट फ्रेंड्स वॉन्ट टू डू समथिंग क्रिएटिव, राइट, टेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम, क्रिएट योर हैंड रिटन नोट्स, रीड अ बुक, राइट एन आर्टिकल, डू अ रिसर्च. दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट. The good chartered accountant student does not play PUBG whole day, does not do social media whole day, but makes the best utilization of his and yes, even if you sneeze, do like this, right? So they can take the best creative utilization of their particular time. Friends, मैं आपको आखिरकार ये बता देना चाहता हूं कि आपके पास ये जो थोड़ा सा समय है बचा है, जो ये 10-15 दिन का जो समय है, why don't you use this time to develop your skills. काफी सारी हमारी weaknesses होगी, उन weaknesses को strength में कैसे convert करें, उसके ऊपर हम focus कर सकते हैं. तो friends, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप vocabulary का use कर, आप vocabulary को improve करने का प्रयास कर सकते हो, आपके pronunciation को improve करने का प्रयास कर सकते हो, आप handwriting improvement के लिए आगे बढ़ सकते हो, you can improve your drafting, you can improve your drafting a lot. अगर फ्रेंड्स आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर वीक हो, तो मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं, आपके पास हाथ है, पैर है, दिमाग है, सब कुछ है, पर फिर भी आप फिजिकली चैलेंज्ड हो, मेंटली चैलेंज्ड हो, अगर आप आईटी के अंदर उतने टेक्नो सेवी नहीं हो, तो यू कैन यूज दिस टाइम टू मेक योरसेल्फ टेक्नो साउंड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, फोकस ऑन योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, एंड ट्राई टू इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन. So friends, these are certain skills. मेरे मुताबिक जो as a student you should try to develop these skills. And friends, vocabulary में मैं आपको बेशक help कर सकता हूँ. मेरी channel Final Spark, जिसे आपने सबने subscribe किया होगा, उसके ऊपर आप जाओ, नीचे आपको एक video list मिलेगा जिसमें vocabulary करके एक initiative है मेरा, जिसके अंदर आप daily basis पे आपके vocabulary का improve कर सकते हो. Pics भी है, videos भी है, which are very relevant terms which you can use in your day-to-day student life and also in your professional life. So this is how you can work out on your, you can say, your skills. Dusri cheez jiske upar aapko dhyan dena chahiye in 15-20 dino ke darmiyan, that is on a body power. Because see friends, ultimately if your body is not going to support you, your body is not that much immune to face not only coronavirus, but also the viruses which are there since years, and the viruses which are going to come, right, or which can also help you in your examination preparation, that it's your body power, then you can have the habit of walking. Abhi to shayad sab chalne na jao because of spreading of coronavirus, but yes, you focus on your exercise from home. आज तक सब लोग आपको वर्क फ्रॉम होम कहते होंगे, स्टडी फ्रॉम होम कहते होंगे, पर मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि एक्सरसाइज फ्रॉम होम, डू समथिंग फॉर योर बॉडी फ्रॉम होम. गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च आउट, राइट, देर आर वीडियोज ऑन डूइंग होम एक्सरसाइज करो, योगा करो, एक स्केड्यूल अपना डेवलप करो इस 10-15 दिन में, जो स्केड्यूल आपको बाद में भी सपोर्ट करता है. दूसरा फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो एंड यू कैन नहीं, यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन माइंड पावर, बिकॉज फ्रेंड्स किसी ने बहुत सही कहा, अगर आपका माइंड आपको सपोर्ट करता है तो यू कैन डू मिरेकल्स. तो ड्यूरिंग दिस टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सर्च करिए मेडिटेशन के ऊपर,
ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के ऊपर, प्रेयर, कई बार डांसिंग विद सेल्फ, ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड, ये सब चीजों के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा फोकस करिए। आपको इन सभी चीजों के ऊपर मेरी चैनल के ऊपर भी थोड़ा सर्व करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। पर मेरे मुताबिक अभी दो चीज ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स के दरमियान बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द एक्सरसाइज ऑफ मेडिटेशन एंड द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बिकॉज मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग से आपका जो इम्यूनिटी पावर जो बढ़ेगा, दैट कैन हेल्प यू टू सेव योर सेल्फ एटलीस्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस इश्यूज। एंड फ्रेंड्स, आप जो कल हम सब लोग जो करने वाले, दैट इज यू कैन से दिस जनता कर्फ्यू, राइट, ये भी अगर आप थोड़ी एक तरीके से देखो तो उसमें जो क्लैप करने की बात की गई है, उसके अंदर जो एक सही समय पे सब एक साथ मिलके जो ग्रेटिट्यूड की बात की गई है, सबको थैंक करने की, दैट इज नथिंग एल्स बट यू कैन से द प्रेयर और यू कैन से द ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड। सो कल के लिए मैं ऐसा कहूंगा कि जब यू कैन नॉट गो आउटसाइड, तो व्हाई कैंट वी मेक दिस बेस्ट टाइम यूटिलाइज टू गो इनसाइड आवर सेल्फ। एंड जब आप अंदर भीतर जाना चाहते हो, अपने एक्सेसिव या आपके जो पावर्स इनबिल्ट है उन्हें ढूंढना चाहते हो, तो दिस थिंग्स विच आर फोकस्ड हियर, राइट, आर द बेस्ट टू डू। एंड फ्रेंड्स, लास्टली टाइम मैनेजमेंट तो सबको सीखना ही चाहिए। एंड अब फ्रेंड्स, हम सब लोग समझ सकते हैं कि कम समय में हमें ज्यादा करना होगा। 2020 का ईयर, राइट, जैसे 2020 मैच होती है वैसे अब सबको खेलना पड़ेगा, बिकॉज परिस्थिति ऐसी आ चुकी है कि कम समय में हमें ज्यादा करना होगा। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप सारे टॉपिक्स का कैटेगराइजेशन कर लेना, ऐसे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफी सारे वीडियोज हैं जिन्हें देखते रहना, और मैं हमेशा जब हम लेक्चर्स में मिलते हैं, जब हम सेमिनार्स में मिलते हैं, हर एक जगह मिलते हैं, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि हैव अ डायरी विथ यू, स्टार्ट मेंटेनिंग डायरी विथ यू। यस फ्रेंड्स, दिस 21st मार्च इज टुडे, अप टू 31st मार्च स्टार्ट मेंटेनिंग रेगुलरली अ डायरी, एंड फ्रॉम 1st अप्रैल योर न्यू फ्रेश डायरी विल स्टार्ट, एंड दिस डायरी विल कीप यू एंड योरसेल्फ अपडेटेड एंड टू सर्व व्हाटएवर यू वांट टू सर्व। So this was, friends, something which I wanted to tell to you. And lastly, on a very serious note, I want to share something with you, that this is, friends, a time where we need to be very responsible. Friends, आज तक मेरे मुताबिक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट को सभी की कॉलर ट्यून चेंज करने का जरूरत पड़े। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बीमारी ऐसी हो जिसके लिए गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट प्लेसेस और बाकी सब कुछ स्टॉप करना पड़े। कोई ऐसे बुलाए तो फिर सो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिचेस, थोड़े टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, राइट, पर मैं जो बात कर रहा था आपके साथ कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि गवर्नमेंट को सबकी कॉलर ट्यून चेंज करनी पड़े, गवर्नमेंट इतनी अलर्ट हो जाए कोई चीज के बारे में। तो बेशक फ्रेंड्स, जितना सिंपल हम कोरोना वायरस को समझ रहे हैं, उतना सिंपल वो कोरोना वायरस है नहीं। तो इस सब के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द रूमर्स और द फेक न्यूज यू आर गेटिंग। और इवन आई विल से कि आपको कोई सही न्यूज भी मिलते हैं ना, तो भी मेरे मुताबिक आप मत शेयर करिए। सी, आप तो गवर्नमेंट हो नहीं, आपको कोई न्यूज मिले तो वो आपके लिए है, सबके लिए नहीं है। हमें सबको शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट दैट वर्क बी डन बाय गवर्नमेंट, राइट, एटलीस्ट हम एक क्लास को बिलोंग करते हैं, नॉलेजेबल क्लास को बिलोंग करते हैं, अच्छे लोगों में बिलोंग करते हैं, तो एटलीस्ट हम इस तरीके से न्यूज फैला के हमें लगता है कि हम लोगों को हेल्प करते हैं, पर हालांकि हम गवर्नमेंट की तकलीफों को और बढ़ा देते हैं। सो प्लीज फ्रेंड्स,
आप लोगों को इतना अपडेटेड न्यूज और कोरोना के बारे में रहने की जरूरत नहीं है, और अगर आप रहते भी हो तो एटलीस्ट दूसरों को अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि मेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम, ये जो समय आपके पास आया है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, और आप क्या कर सकते हो वो मैंने आपको बताया, और हो पाएगा तो इस 10-15 दिनों में जितनी बार मैं हो पाऊंगा मैं रेगुलरली आपके साथ लाइव आता रहूंगा इसी तरीके से। आज तो मैंने पहली बार ट्रायल किया है, राइट। दूसरा, आप चाहो तो पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना, ना कि नेगेटिविटी को। एंड मैं अंत में इतना जरूर कहूंगा कि बी, मैं आपको घबरा नहीं रहा, राइट, आई एम नॉट मेकिंग यू फ्राइटफुल, बट यस, बी अलर्ट एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कॉशियस, एंड व्हेन यू आर अलर्ट एंड कॉशियस दैट्स अ साइन ऑफ बीइंग केयरफुल। बी केयरफुल फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, देन फॉर योर फैमिली, एंड देन फॉर द फ्रेटर्निटी एट लार्ज। बट इस तरीके से लाइव आने के पीछे मेरा आज यही उद्देश्य था कि मैं आपके साथ पहली बार मैं भी लाइव आया कि आपके साथ कुछ शेयर करूं, जिससे काफी सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स थे वो सॉल्व हो जाए, राइट। एंड इतना ही नहीं, पर आपके साथ इस टाइम को बेस्ट कैसे यूज कर पाए उसके ऊपर भी थोड़ी बातचीत हो पाए। सो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस मेरी चैनल के ऊपर भी है, जिसको आप अभी समय मिला है तो शेयर कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट्स या ऐसा कुछ भी हो, या आप ऐसे कोई भी कन्फ्यूजन्स में हो, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी। If you are on YouTube, Facebook or Instagram, you can always search on the tag Fennel Spark. You can always connect to me with that. And lastly, you can say that any kind of doubts or any kind of further videos you like, or you have any emergency, you can always connect to me on this particular video. So this is Fennel, right? And we had a great interaction right now. Sorry for the technical glitch we had, but it was best time to talk to you, right? And I say live milte rahenge. Sure, right? And आपको ऐसे कोई भी डाउट्स हो, आप कहीं भी कंफ्यूज हो, तो जस्ट एक व्हाट्सएप इस नंबर पे कर देना। मैं मेरी ओर से एकदम ऑथेंटिक न्यूज लेके आता रहूंगा। जैसे मैं भी नोटिफिकेशन आईसीए के तुरंत देख लेता हूं, पर मेरी आदत कभी ऐसी नहीं होती कि मैं सबसे पहले वीडियो लाऊं। मैं हमेशा इसी गुंजाइश में होता हूं कि मैं आपके पास कैसे एक सही, ऑथेंटिक एंड वैल्यू एडिटिव वीडियोज लाता रहूं। बस इसी के अंदर थैंक यू ऑल फॉर बीइंग लाइव, शेयर दिस विद ऑल, सी यू सून।